गुड मॉर्निंग फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो करेंटली अभी मैं खड़ा हूँ डुअर्स पे, और डुअर्स के बारे में क्या बता, इट्स ऑलवेज एन्चेंटिंग। तो अभी यहाँ पे रुके थे ब्रेक के लिए, थोड़ा सा चालसा में थोड़ा सा यहाँ पे पराठा वगैरह खा लिए, तो अभी जस्ट यहीं पे रुके हुए। यहाँ से और अप्रॉक्सीमेटली एक घंटा का सफ़र है, सो या लेट्स हिट द रोड। हो तो आगे ये आपका रेलवे क्रॉसिंग है, तो अभी फ़िलहाल दरवाज़ा बंद है, आई थिंक हमें वेट करना पड़ेगा। हैंडमिल क्रॉसिंग जोन है। हो राहुल भाई और शुभजीत आगे खड़े हैं। स्टेशन काफ़ी बढ़िया है, देख रहे हो आप लोग, मतलब आई मीन वाओ, दिस इज़ सो गुड, दिस इज़ सो गुड। काफ़ी टूरिस्ट आ रखे हैं, नवंबर का महीना है, ठंड का मौसम है, टूरिस्ट होंगे ही होंगे। इट्स ब्यूटिफुल, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, देन आई विल ट्राई टू गो टूवर्ड्स बिंदु टू टेक सम नाइस पिक्चर्स आउट देयर, और थोड़ा देखते हैं ड्रोन वगैरह कहाँ उड़ा सकते हैं फ्लाइंग जोन के हिसाब से। और रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गवर्नमेंट ने जो रूल सेट किया है फॉर द ड्रोन यूजर्स, सो वी नीड टू फॉलो दैट। हम लोग अभी भी आपका झालोंग नहीं पहुँचे हैं, रोड पर ही है, बीच में थोड़ा सा रुक गया था फोटोग्राफी वगैरह कुछ पिक्चर्स लेने के लिए एक्चुअली। तो अभी अपना जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं झालोंग की तरफ। आप लोग देख सकते हो रोड में कोई भी नहीं है, आगे राहुल और शुभजीत जा रहे हैं, हम लोगों के सिवा कोई नहीं है। बीच बाच में दो एक टूरिस्ट व्हीकल आता रहता है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स लाइक एब्सोल्युटली एम्प्टी। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बीच बीच में थोड़े से ऊबर खाबर रोड का सामना करना पड़ रहा है, अदरवाइज रोड्स आर गुड। बैक इन कैलकटा यू नो, हमेशा ये लगता था कि व्हेन आई विल गो बैक टू द नेचर, सो दैट आई कैन स्पेंड सम मोर एंड मोर टाइम विद नेचर, टूर काफ़ी फ्रिक्वेंटली कर सकूँ, घर वालों को थोड़ा टाइम दे सकूँ। सो फाइनली आई एम डूइंग इट एंड इट फील्स अमेजिंग। देख रहे हो पूरा मस्त क्लियर वाटर है, एकदम हल्का हल्का ग्रीन भी लग रहा है बीच बीच में देखने के लिए। इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, इजंट इट। आगे जा रहे हैं आपका बिंदु के तरफ, यहाँ से करीबन 13 किलोमीटर है वो, और यहाँ से तो झालोंग हम लोग एग्जैक्ट उस जगह पर नहीं गए थे जहाँ पे मतलब आपका टूरिस्ट स्पॉट है, क्योंकि काफ़ी क्राउडेड होता वहाँ पे, तो हमने थोड़ा सुनसान जगह चूज़ किया था ताकि थोड़ा रिलैक्स करने का मज़ा ही अलग हो। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा लेस क्राउडेड, नो क्राउड्स एट ऑल, ऐसा जगह चूज़ किया हमने। तो अभी जाके देखते हैं बिंदु का क्या सीन है। और मैं वहाँ पे नदी में उतरा था, आप लोगों ने देखा मैंने पैर डाल के बैठा हुआ था, आई मीन लाइक इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली मैं कैसा फील कर रहा था, कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास ऐसा प्रॉपर जो उस लम्हा को बयां कर सके। तो थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा उसको इमेजिन कर लें, तो आपको आंसर मिल जाएगा हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज, हाउ इंटेंस इट वॉज वाइल डूइंग दैट। फॉर मी अगर आप पूछेंगे, मैं जो पर्सनली सोचता हूँ, मतलब पैर को नदी में डुबा के बैठने का इट वर्क्स फॉर मी काइंड ऑफ थेरेपी, थेरेपी जैसा काम करता है मेरे लिए।
टेक्स ऑल द स्ट्रेस आउट ऑफ एवरीथिंग, है ना। वहाँ देखिए असली नज़ारा तो वहाँ पे है, उधर से भी कोई नदी आके इसमें इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिब्यूटरी, और आगे उधर में और झरना का पानी। वो रहा शुभजीत द फोटोग्राफर मैन, इट्स प्रीटी बिजी विद ऑल टेकिंग ऑल द फोटोग्राफ्स। और यहाँ पे कोई खूबसूरत गेट सा भी बना हुआ है, सो दैट लुक्स प्रीटी अमेजिंग टू मी। शायद आप लोगों को नदी का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, आई एम नॉट श्योर 100%, बट आई गेस कि आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। मैं अभी फुटेज अभी चेक नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे घर जाके ही पता चलेगा कि फुटेज में सुनाई दे रहा है कि नहीं। बट एनीवेज आई होप यू गाइज आर इन्जॉइंग इट। इफ़ यू आर इन्जॉइंग इट गिव्स अ बिग थम्स अप एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। लाइक वाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, मज़ा आ जाएगा। जस्ट लुक एट द व्यू, जस्ट लुक एट द व्यू, इज़न्ट दिस समथिंग। तो बिंदु जाने से पहले, दिस इज़ वन ऑफ द व्यू पॉइंट, आई होप यू गाइज कैन सी दैट, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, हाउ वंडरफुल इट इज़। हम लोग शायद उधर से कहीं से आए, आई एम नॉट श्योर, शायद नीचे से इधर से कहीं से उठ के आए। उधर देखिए दूर पैडी फील्ड्स दिख रहे हैं। तो ये जगह आप लोग देख सकते हो, ये है बिंदु जाने से पहले, कुछ यहाँ पे होटल एप्पल स्टोर बोल के है। काफ़ी उम्दा नज़ारा है जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। तो राहुल भाई वगैरह वहाँ पे जा रहे हैं फ़ोटो खींचने के लिए, शायद मैं भी सोच ही रहा हूँ दो एक फ़ोटो ले ही लूँ। काफ़ी अच्छा लोकेशन है, इट्स ए ब्यूटिफुल प्लेस। पानी का आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, पर लग ऐसा रहा है कि शाम के 5 बज रहे हैं। अभी भी है छोटा सा वाटरफॉल या झरना क्रॉसिंग, तो हम लोग पहुंच चुके हैं। ये है आपका बिंदु जो है इस जगह का नाम। आई होप हम लोग थोड़ा और भी आगे जा सकते हैं गैस। देखिए ठंड का मौसम है, हर जगह ठंड का कपड़े मिलना शुरू हो चुका है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बिंदु, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल एक व्यू है। यहाँ पे है राहुल, आकाश दास, द लोनली ट्रैवलर, ब्यूटीफुल सा व्यू है। सिर्फ हम लोग ही नहीं, बहुत जन आए हैं इतना ब्यूटीफुल व्यू का एक ना मोमेंट लेने। अभी सनसेट का टाइम है, 3:58 हो रहा है। तो बिंदु वगैरह घूमने के बाद अभी मैं निकल चला हूँ वापस घर के लिए, मतलब सिलीगुड़ी के लिए। टाइम हो रहा है आपका शाम का 4:32। देख के लग नहीं रहा है ऐसा, देख के आपको महसूस होगा कि अंधेरा होने ही वाला है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, 5 बजे तक अंधेरा हो जा रहा है। नवंबर का महीना है, साल है 2022। तो जनरली ये जो टाइम है, दिस टाइम ऑफ द ईयर स्पेशली अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये टाइम में जनरली ऐसा ही होता है, शाम काफ़ी जल्दी हो जाता है इस साइड में। तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे तक, 5:50 तक शाम अंधेरा हो जाएगा पूरा आपका। जब तो आपका आज का जो वीडियो है, मैं इसी तरीके से एंड करना चाहूँगा, क्योंकि अभी अंधेरा हो जाएगा और मैं कुछ बचाना नहीं चाहता नाइट व्यू के लिए। तो रात में ऐसे वैसे भी आप लोगों को मतलब उतना समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही है GoPro दिन के टाइम में अच्छा काम करता है पर रात पे नहीं, और रात को भी वैसे भी दिखाने लायक का कुछ रहता नहीं है। तो मैं लोनली ट्रैवलर आपका होस्ट एंड दोस्त लेना चाहूँगा इजाज़त आज के लिए। मिलते हैं किसी और रोड पे, किसी और ब्लॉक पे, तब तक के लिए दस विदानियाँ।